असम के अस्पताल से हाल ही में आई खबर ने देश भर के डॉक्टरों में दहशत फैला दी थी। ऐसी एक खबर मणिपुर से सामने आई है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर कथित तौर पर मारपीट हुई है। एक वीडियो में कुछ लोग अस्पताल के कोविड 19 आईसीयू वार्ड में तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दिए, जो अस्पताल के सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ। रिपोर्टों के अनुसार कोविड 19 संक्रमण से मरने वाली एक 33 वर्षीय महिला के रिश्तेदारों ने इस घटना को अंजाम दिया और कथित तौर पर तोड़फोड़ करते हुए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और अन्य आईसीयू उपकरणों को तबाह कर दिया। यह महिला अस्पताल में गंभीर स्थिति में लाई गई थी और 3 दिनों तक जूझने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस मृत्यु का क्रोध परिवार ने अस्पताल में दिखाया। पुलिस ने घटना के सिलसिले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है। ये काफी दुख की बात है कि इस मुश्किल घड़ी में स्वास्थ्य कर्मचारियों के लगातार मेहनत और परिश्रम के बावजूद उनके साथ ऐसा घोर व्यवहार किया जा रहा है।